जिले की पार्वती घाटी के तहत आने वाले छिलाल गांव के एक होटल में गोली चलने का मामला सामने आया है। होटल के कुक को हाथ में गोली लगी है। मामला रविवार रात का बताया जा रहा है। होटल में पहले 4 व्यक्ति किसी काम को लेकर आए, इस दौरान दोनों पक्षों में हाथापाई हुई। हाथापाई के दौरान एक होटल के कुक को हाथ में गोली लगी, इसके बाद मौके पर आए हुए लोग भाग गए। होटल के मालिक ने गोली लगने के बाद का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। यह वीडियो काफी वायरल हो गया है। वीडियो में होटल का मालिक पुलिस वालों पर गोली चलाने का आरोप लगा रहा है। 3 बंदे आए थे और देखिए हमारे जो कुक थे ना, उन्होंने 4 बंदे आए थे और उन्होंने यहाँ पे देखिए ये मेरा कुक है तो इसको गोली लगी है। ये देखिए गोली लगी है इसको। ये देखिए अंदर नहीं है, अंदर गोली लगी है अभी अंदर। ये इस मेरे बंदे को अभी जो कुक का काम करता था मेरे पास, ये है देखो, ये मेरे पापा है। क्या नाम? इनको मारने के लिए इसको गोली मारी है। 4 गुंडे आए थे यहाँ पे, एक रतलाम का बता रहा था लड़का, उसका ये बैग भी है, उसका फोन भी है मेरे पास, यहाँ गिर गया उसको हाथापाई में और इसको गोली मारी है। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और लाइक करो। और बता रहे थे पुलिस वाले और मेरे बंदे को गोली मारी है, पता नहीं पुलिस वाले हैं या गुंडे हैं कि क्या है। और अभी तक बंदे के हाथ में गोली लगी है। दोस्तों जितने भी बंदे देख रहे हैं सब लाइक करो और शेयर करो। अभी अभी 10 मिनट हुए और मेरे पास सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी है और वो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी मैं लाइव डालूंगा। और दोस्तों मेरे को खतरा है, अभी एक मेरे बंदे को गोली मारी है। अभी मैं अकेला रहता हूँ मैं घर पे, मैं अपाहिज हूँ, मैं चल फिर नहीं सकता हूँ। तो एक यानी कि मेरे को मारने आए थे, क्या करने आए थे अभी। और मेरी बेटी के साथ भी आता पाई की, मेरी बहन के साथ भी आता पाई की, और दो तीन बेटियां हैं उनके साथ भी आता पाई की, और मेरे कुक को गोली मारी है। मेरे ख्याल से अभी तक भी इसके हाथ में गोली लगी है। और अभी डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं हम इसको। तो दोस्तों क्या नाम अभी मेरे को मार सकते हैं ये, मैं अकेला हूँ आज, मेरे साथ बेटियाँ 3 बेटियाँ हैं और ये मार सकते हैं और मेरे बंदे को गोली मारी है इन्होंने अभी। थैंक यू दोस्तों, मैं थोड़ी देर के बाद आपसे फिर लाइव हो जाता हूँ। मैं अभी साथ में ही, इसके साथ में ही मैं सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी निकाल के डालता हूँ। और बता रहे हैं मणिकरण के पुलिस वाले हैं और उन्होंने गोली मारी है, पता नहीं गुंडे है कि सची में मणिकरण के पुलिस वाले हैं। कल रात को कसोल से वायरल हुए एक वीडियो में जिसमें यह आरोप लगाया जा रहा है कि उसमें पुलिस पार्टी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गोली चलाई गई है, इसमें छानबीन की जा रही है। जो अभी तक की छानबीन में यह पता चला है कि किसी भी प्रकार की कोई भी बुलेट शॉट्स फायर्ड नहीं हुए हैं, कोई भी गन शॉट्स फायर्ड नहीं हुए हैं, और इसमें जो भी इंजरी अभी लेसरेटेड वूंड की एक व्यक्ति को आई है वो फायरआर्म इंजरी नहीं है। बाकी मैटर में अभी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। कुल्लू से दिनेश गौतम की रिपोर्ट।